एक रहम दिल शख्स ने बहुत बड़ा और खूबसूरत घर खरीदा। उसके घर में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें तरह तरह के दरख्त थे। जो भी उसको मुबारकबाद देने आता वो उनके साथ बहुत मोहब्बत और एहतराम से मिलता। उस रहम दिल शख्स की मोहब्बत और एहतराम की वजह से उसके तमाम पड़ोसियों ने उसको पसंद किया, सिवाय उसके एक पड़ोसी के जो कि एक बूढ़ा शख्स था जो उसके सामने वाले घर में रहता था। बूढ़ा शख्स उस रहम दिल आदमी से हसद करने लगा क्योंकि सब लोग उसको पसंद कर रहे थे और वो बूढ़े को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिन गुजरे तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका पड़ोसी ये घर छोड़कर चला जाए, जिसके लिए उसने अपने पड़ोसी को तंग करने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने अपने पड़ोसी को तरह तरह से तंग किया मगर उस रहम दिल आदमी की तरफ से कोई रद्देअमल ना आया। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने उसके घर में अपने घर का सारा कचरा कचरेदान के साथ फेंक दिया। अगली सुबह जब रहम दिल आदमी उठा तो उसने अपने घर में पड़ा कचरा देखा। उसने अपने घर को साफ किया और सारा कचरा एक बाल्टी में जमा किया। वो जानता था कि ये काम उस बूढ़े पड़ोसी का है। उसने बाल्टी उठाई और बूढ़े आदमी के घर गया। बूढ़े आदमी ने जब देखा कि उसका नया पड़ोसी है तो उसने सोचा कि आखिरकार मैं अपने पड़ोसी को तंग करने में कामयाब हो गया और वो मुझसे झगड़ा करने आया है। जब बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला तो उसने रहम दिल शख्स के हाथ में बाल्टी देखी जो फलों से भरी हुई थी। रहम दिल शख्स ने कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। जो जिस चीज में अमीर होता है वो दूसरों को वही देता है। उस बूढ़े आदमी ने उस शख्स की बात सुनी और शर्मिंदा हो गया। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। हमारे अच्छे बर्ताव से ही मुआशरा अच्छा बनता है।